क्या आपकी राशि है मेष, कर्क या तुला, तो आपके लिए खुशखबरी नहीं है। ग्रहों का खिलवाड़ अक्सर हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। मई में सूर्य और शुक्र की युति आपकी राशि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। मेष राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत है, क्योंकि अहंकार और व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती है। तुला राशि वालों को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पारिवारिक मामलों में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जय बाबा विद्यनाथ, हर हर महादेव। मई महीने में एक क्रूरक ग्रह दूसरे क्रूरक ग्रह के साथ मिल करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक ही राशि पर दो ग्रह जब आ जाते हैं, दो क्रूरक ग्रह, तो वह अन्य राशियों पर प्रभाव डाल देता है। आपको बता दें, 19 मई को शुक्र की उच्च राशि वृषभ में शुक्र अस्त के साथ गोचर करने वाला है, जहां पहले से ही सूर्य विराजमान है। देखा जाए तो सूर्य और शुक्र की युति 19 मई को वृषभ राशि में होने वाली है। सूर्य और शुक्र दोनों क्रूरक ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों की युति राजभंग योग का निर्माण करती है और राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सूर्य और शुक्र की युति तीन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। वो तीन राशियां हैं मेष, कर्क और तुला। सूर्य और शुक्र की युति जो हो रही है, दोनों विपक्षी ग्रह, दोनों शत्रु ग्रह हैं। एक राशि पर यदि शुक्र और सूर्य की युति होती है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद भी शुक्र वृषभ राशि पर स्वराशि हैं, लेकिन अस्त हैं, जिसके कारण निर्बल हो गए हैं। तो ये दोनों की युति जो है, ये तीन राशि के ऊपर ज्यादा प्रभावित करने वाला है। मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि, जिस राशि पर हो रहा है वह 12वां, और कर्क और तुला, ये तीन राशि पर विशेष रूप से खराब रहेगा। तो ये तीन राशि वाले सूर्य शुक्र की युति से ज्यादा परेशान हो सकते हैं। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।